हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुएसएस योर एजुकेशन मेंटर। फ्रेंड, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं वन टू वन कुछ डीम यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। और आज के सेशन में हमने लिया है डीवाई पाटिल को। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को एक कन्फ्यूजन रहता है, क्योस रहता है काउंसलिंग से पहले जब वो कॉलेज सेलेक्ट करना चाहते हैं तो उनके पास काफ़ी डिटेल्स वो सर्च करते हैं, डिटेल्स मिल नहीं पाती और एक कन्फ्यूजन रहता है कि किस कॉलेज को मैं प्योरिटी दूँ अपने नंबर पर। जो भी मेरा नंबर आया है नीट के अंदर, बहुत सारे ऑप्शन है मेरे पास, किस कॉलेज को मैं प्योरिटी दूँ। तो इस आने वाले टाइम के अंदर हम काफ़ी डीम यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर वन टू वन सेशन करेंगे, जो पॉपुलर डीम यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसको स्टूडेंट सेलेक्ट करते हैं काउंसलिंग के अंदर, जिससे कि आप जब काउंसलिंग करने जाओ तो आपको काफ़ी वहाँ पे हेल्प ले इन्फॉर्मेशन से और आप अच्छी काउंसलिंग करके सीट ले पाओ। फ्रेंड्स, तो डीवाई पाटिल के बेसिकली तीन कैंपस पढ़ते हैं जहाँ पे एमबीबीएस करते हैं स्टूडेंट्स। एक पूना के अंदर पढ़ता है, एक मुंबई के अंदर पढ़ता है, एक कोल्हापुर के अंदर पढ़ता है, तीनों महाराष्ट्र के अंदर है। और इसकी काउंसलिंग आपकी जो होस्ट करता है वो एमसीसी होस्ट करता है, मेडिकल काउंसलिंग कमेटी इसकी काउंसलिंग होस्ट करता है, जिसकी ऑफिशियल वेबसाइट mcc.nic.in है। जैसे ही आप लोग का एग्जामिनेशन खत्म होगा, नीट का स्कोर कार्ड आपके हाथ में आएगा और काउंसलिंग स्टार्ट होगी, तो जो पहली काउंसलिंग कंडक्ट होगी वो आपकी एमसीसी की काउंसलिंग होगी, जहाँ पे बच्चे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए ऑल इंडिया कोटा की, एम्स की, जिपमार की काउंसलिंग कराते हैं। और उसी में 49 डीम यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं इंडिया के जो डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को बिलोंग करते हैं, उनकी भी काउंसलिंग होगी। फ्रेंड्स, तो यहीं पे आपको सारे कॉलेज 49 डीम यूनिवर्सिटीज़ मिलेंगे, जिसमें से तीन कैंपस की आज हम बात करेंगे, जो कि है डीवाई पाटिल के तीन कैंपस, जिसकी पूरी समरी यहाँ पे डिटेल से देखेंगे कि क्या कट ऑफ रहता है, कितना पुराना कॉलेज है, क्या एक्सपोजर है, क्या लोकेशन है, क्या कॉस्ट ऑफ एजुकेशन आएगा और किस बच्चे को ये कॉलेज सेलेक्ट करना चाहिए। फ्रेंड्स, तो डीवाई पाटिल में जैसे हम बात करते हैं कि डीवाई पाटिल, तो डीवाई पाटिल की जब आप काउंसलिंग करेंगे तो एक ही रजिस्ट्रेशन जो आपका होगा एमसी पे आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे, वहीं पे आप अपनी काउंसलिंग फीस जमा करेंगे 5,000 रुपये की और 2,00,000 रुपये का कॉशन अमाउंट जमा करेंगे। 2,05,000 रुपीज़ का वन टाइम पेमेंट आपको करना रहता है अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू। बेसिक अपनी डिटेल्स देनी पड़ती है, उसके बाद जब चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी तो आप अपने जो भी आपका नीट का स्कोर आया है उसके अकॉर्डिंग जो भी आपने कॉलेज फिल्टर किए हैं वो सिलेक्टिव आप वहाँ पे कॉलेज को सेलेक्ट करते हैं चॉइस फिलिंग के अंदर। उसी में फिर सर्वर आपको कॉलेज अलॉट करके आपको अलॉटमेंट लेटर देता है, इसी को हम काउंसलिंग से सीट अलॉटमेंट का प्रोसेस देते हैं। फ्रेंड, जिन बच्चों ने पास में काउंसलिंग करके रखी होगी उनके बारे में इसको काफ़ी सी डिटेल्स होगी। तो डीवाई पाटिल के लिए ज़्यादातर जो बच्चे जाते हैं वो जाते हैं बेसिकली लोकेशन के लिए, क्योंकि बेसिकली स्टूडेंट चाहते हैं कि हम महाराष्ट्र के अंदर पढ़ाई करें। जब महाराष्ट्र एक क्लोज स्टेट है, अदर स्टेट वाले बच्चों को अपने स्टेट काउंसलिंग के अंदर इन्वाइट नहीं करता है, केवल स्टेट वाले बच्चों को ही प्रियोरिटी देता है। लेकिन जो महाराष्ट्र के अंदर डीम यूनिवर्सिटी है वो तो सभी के लिए ओपन रहते हैं, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा बच्चे वहाँ पर जाने के लिए पसंद करते हैं। फ्रेंड, तो ज़्यादातर बच्चे जब ये चीज़ सोचते हैं कि किस कैंपस में हम सेलेक्ट करें, तो अगर मेजॉरिटी देखेंगे तो ज़्यादातर बच्चे पूना कैंपस को सेलेक्ट करते हैं, जिसके पीछे का जो बेसिक रीज़न है वो ये है कि बिकॉज ऑफ द लोकेशन। डीवाई पाटिल की एक्चुअल लोकेशन पिंपरी में पड़ती है, पूना से थोड़ा सा पहले ही पड़ जाती है, लेकिन अभी काफ़ी अच्छी लोकेशन है। कॉलेज काफ़ी पुराना है, 1995 का कॉलेज है, 250 सीट्स है, MD MS सब कुछ चलता है, काफ़ी अच्छा बड़ा कैंपस है। अगर लेकिन इसकी जो मेन ड्रॉबैक है वो है इसकी ट्यूशन फीस। अगर आप ट्यूशन फीस इसकी अफोर्ड कर सकते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका जो टोटल पैकेज पड़ता है नियर अबाउट 1,34,00,000 रुपीज़ के आसपास का इसका पैकेज पड़ जाता है। 25,00,000 रुपये की फीस है, उसमें भी 7% हर साल का एनुअल इंक्रीमेंट रहता है। 2,18,000 के आसपास का इसका हॉस्टल पड़ता है और इसमें एडिशनल आपका मेस आता है 75,000 का, तो नियर अबाउट हम कह सकते हैं कि 3,00,000 रुपीज़ का हॉस्टल एंड मेस जाता है, जो कि कंपलसरी है आपका 5 साल के लिए। तो टोटल कॉस्ट ऑफ एजुकेशन इसकी 140 के आसपास आ जाती है अगर हम सारी कॉस्ट को ऐड करते हैं। एडमिशन इसमें कितने नंबर पर मिलता है, फर्स्ट राउंड की अगर हम बात करते हैं 250 मार्क्स हैं तो आपको आसानी से मिल जाएंगे। अगर कट ऑफ नीचे भी जाता है तो नियर अबाउट 210 नंबर तक हमको डीवाई पाटिल पूना मिल सकता है। लास्ट ईयर अगर हम देखते हैं तो फर्स्ट राउंड में 230 का गया था, सेकंड राउंड में 212 का गया था और थर्ड राउंड में 244 का गया था। इसलिए एवरेजली देखते हैं कि 250 मार्क्स है तो डीवाई पाटिल पूना मिलना हमको आसानी है। इसकी तीन राउंड काउंसलिंग होती है, फर्स्ट राउंड आपकी ऑनलाइन काउंसलिंग होगी, सेकंड राउंड भी आपकी ऑनलाइन होगी और थर्ड राउंड जिसको मॉपअप राउंड बोलते हैं वो भी आपकी ऑनलाइन काउंसलिंग होगी। इसी कॉलेज के अंदर 15% सीट NRI कोटा से होती है, जिसकी फीस है आपकी 40,000 USD। 5 साल की फ़ीस देनी पड़ती है NRI कोटा के लिए, तो 2.5 लाख इसकी डॉलर की इसकी टोटल फीस आ जाती है आपकी टोटल कोर्स की। NRI में काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसेस पड़ता है ये कॉलेज, इसीलिए जस्ट क्वालिफाइड वाले बच्चे को, जो भी जस्ट क्वालिफाइड वाला बच्चा होगा उसको आसानी से एडमिशन मिल जाता है इस कॉलेज के अंदर। वहीं पर अगर हम बात करते हैं कि सबसे सस्ता डीवाई पाटिल कौन सा पड़ता है, तो सबसे सस्ता अगर हम फीस देखते हैं तो वो पड़ती है आपकी डीवाई पाटिल कोल्हापुर की। कोल्हापुर की लोकेशन पूना से थोड़ा सा आगे ही पड़ती है, नियर अबाउट आपका 3 घंटे का रास्ता है कोल्हापुर। लेकिन अगर हम तीनों कैंपस में अगर बात करते हैं कि फाउंडेशन ईयर सबसे पुराना कैंपस कौन सा है, कोल्हापुर सबसे पुराना है, मुंबई सबसे पुराना है या
पूना सबसे पुराना है, तो सबसे ओल्डेस्ट कैंपस अगर बात करते हैं तो वो कोल्हापुर ही है, जो कि 1989 का आपका कॉलेज है। रेस्ट हमारा मुंबई और पूना का जो कैंपस है वो 1995 का कॉलेज है। तो अगर हम एक्सपीरियंस वाइज देखते हैं तो कोल्हापुर सबसे पुराना भी है और उसकी ट्यूशन फीस भी सबसे कम है। तो लॉजिकल एस्पेक्ट से अगर हम बाकी लोग को नहीं देखते कि लोग क्या कर रहे हैं, अदर के लोग लोकेशन को प्योरिटी अगर हम नहीं देते हैं, जो मेन चीज़ स्टूडेंट देखता है कि फीस किसकी रीजनेबल है, कट ऑफ किसके सबसे ज़्यादा हाई चलते हैं, तो वो कैंपस आता है हमारा कोल्हापुर का। तीनों कैंपस में जो सबसे हाईएस्ट कट ऑफ है वो आपका कोल्हापुर का ही है। लास्ट ईयर की अगर हम कट ऑफ की बात करते हैं तो 318 का इसका कट ऑफ आपका गया था। तो अगर आपका नंबर 300 से ऊपर आ रहा है तो इस कॉलेज को आप ट्राई कर सकते हो। 20,60,000 रुपीज़ की एक साल की फ़ीस पड़ती है, 4.5 साल की ये फीस आपकी लेता है। तो इसका पैकेज जो हम देखते हैं वो 1 करोड़ के अंदर अंदर आपका पैकेज आ जाता है। और उसका हॉस्टल भी पूना के मुकाबले अगर देखते हैं तो रिजनेबली 2 लाख रुपीज़ का हॉस्टल है, तो 10 लाख रुपये का आपका हॉस्टल का कॉस्ट पड़ता है। तो 1 करोड़ के अंदर इसका हमारा टोटल पैकेज आ जाता है। 300 के ऊपर का आपका मार्क्स है तो हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग जब आप स्टूडेंट्स आप करोगे तो एक ही चॉइस फिलिंग में आप मल्टीपल कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अपनी प्योरिटी से आप डाल सकते हो कि पहले नंबर पर अगर मैंने कोल्हापुर को प्योरिटी दी तो फर्स्ट नंबर पर हम कोल्हापुर डाल सकते हैं। अगर मैं पूना को प्योरिटी दे रहा हूँ तो मैं फर्स्ट नंबर पर पूना को डाल सकता हूँ, ठीक है, बाद में बाकी कैंपस डाल सकता हूँ। इट इज़ नॉट लाइक दैट कि हम एक ही कॉलेज, 2 कॉलेज या 5 कॉलेज हम डालें। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम जितने भी कॉलेज चाहें वो सारे कॉलेज MBBS के वहाँ पे या साथ में BDS के भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चॉइस फिलिंग में जो फैक्टर होता है, जो आप हायरार्की देते हो 1, 2, 3, 4 जो आप बनाते हो, उसमें टॉप प्रायोरिटी में जिस भी कॉलेज को करते हो पहले जो वही कॉलेज फिल्टर होता है, पहली कॉल उसी पे आती है। तो आपके ऊपर के कॉलेज आपके मेन होने चाहिए। ऐसा ना हो कि जो कॉलेज में आप सबसे ज़्यादा चाहते हो एडमिशन उसको आपने नीचे डाल दिए, ऐसा कभी नहीं करना रहता है। चॉइस फिलिंग का जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि जो मेन कॉलेज आप जिसको प्रायोरिटी दे रहे हो उसको आपकी लिस्ट में ऊपर लेके चलना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कोल्हापुर की बात कर ली। 1984-89 का कॉलेज है, काफ़ी पुराना है, MD MS सब कुछ चला रहा है, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। उसके बाद अगर हम NRI कोटा की भी बात करते हैं तो NRI कोटा की भी फीस इससे ज़्यादा काफ़ी कम है। $36,000 की फीस यहाँ पे पड़ती है हमारी, वहीं पे ये आपका 40,000 का ले रहा है पूना, तो कोल्हापुर आपका 36,000 की फीस ले रहा है। प्लस एक फ़ायदा और है कि ये कोल्हापुर NRI कोटा में भी 4.5 साल की फ़ीस लेता है और पूना आपकी 5 साल की फ़ीस लेता है NRI कोटा के अंदर। वहीं पे हम बात कर लेते हैं अब थर्ड कॉलेज की, जो कि है आपका DY पाटिल मुंबई का कैंपस। मुंबई के कैंपस को ज़्यादातर बच्चे, मुंबई के बच्चे प्योरिटी देते हैं और रेस्ट ऑफ इंडिया के भी काफ़ी बच्चे यहाँ पे जाते हैं। DY पाटिल एक ऐसा कॉलेज है जहाँ पे अगर मेजॉरिटी बात करते हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स ये जाना चाहते हैं कि वहाँ पे हम मेरे स्टेट के बच्चे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो मेजॉरिटी बच्चे इस मेडिकल कॉलेज के अंदर रेस्ट ऑफ इंडिया के रहते हैं, यानी कि महाराष्ट्र के ना होके दूसरे दूसरे स्टेट से, दूसरे दूसरे राज्यों से आते हैं और वहाँ पे पढ़ाई करते हैं। तो काफ़ी मेजॉरिटी वाला ये हमारा कैंपस पड़ता है DY पाटिल का। तो महाराष्ट्र मुंबई के ऊपर आ जाते हैं तो मुंबई की जो टोटल फीस है वो 26 लाख रुपीज़ एक साल की फ़ीस है, कोई एनुअल इंक्रीमेंट नहीं है, 4.5 साल की फ़ीस लेता है हमारा। तो जो उसकी टोटल फीस आती है वो नियर अबाउट 1,17,00,000 रुपये की आती है और 2.5 लाख रुपये का ये आपको हॉस्टल को चार्ज करता है, ठीक है। और NRI कोटा में इसकी फीस $60,000 है, सबसे महंगा कॉलेज इंडिया का NRI कोटा के अंदर यही आता है। तो वहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इसकी फीस बहुत ज़्यादा चली जाती है, नियर अबाउट $3 लाख के आसपास चली जाती है। लेकिन वही चीज़ है कि इतनी ज़्यादा फीस होने की वजह से कोई भी बच्चा इसमें काउंसलिंग करा सकता है। अब इसमें एक इंटरनल चीज़ ये देखते हैं कि जब आप काउंसलिंग करते हो तो एक ही कॉलेज है, NRI कोटा पे भी सीट दे रहा है, मैनेजमेंट कोटा के ऊपर भी सीट दे रहा है, तो जो जनरल स्टूडेंट्स हैं वो सारे बच्चे NRI मैनेजमेंट कोटा से वो चॉइस फिलिंग करेंगे। जो भी फीस अभी हमने आपको बताई है, पूना की फीस आपकी 25 लाख प्लस 7% का इंक्रीमेंट, कोल्हापुर की फीस 20 लाख 60,000, मुंबई की फीस आपकी 26 लाख, तो ये मैनेजमेंट कोटा की फीस है। वहीं पर अगर हम जो देख रहे हैं 60,000, 40,000, 36,000 की जो फीस USD में जो हम देख रहे हैं वो NRI कोटा की फीस है। तो अगर आप रियल NRI हो, आपके फादर मदर NRI हैं, आप NRI हो, या क्योंकि जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का जो NRI कोटा होता है उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडेंस है उसमें थोड़ी सी लीनियंसी होती है, तो सेकंड डिग्री के भी अगर आप NRI हो, आपके कोई रिलेटिव, कोई नॉन पर्सन भी NRI है, तो आप उनकी हेल्प से वो डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करा के अपनी कैटेगरी कन्वर्ट करा सकते हो। जैसे MCC अपनी काउंसलिंग को स्टार्ट करेगा तो एक नोटिस निकालेगा, द स्टूडेंट डोज वॉन्ट टू कन्वर्ट देयर कैटेगरी फॉर मैनेजमेंट टू NRI, दे कैन अपलोड देयर डॉक्यूमेंट्स ऑन द रिलेवेंट email ID एंड देयर कैटेगरी विल बी कन्वर्टेड। तो वो आपको 5 बेसिक डॉक्यूमेंट बताएगा NRI कोटा के, आपका NRI जो स्पॉन्सर है उसका सर्टिफिकेट लगेगा, उनके एम्बेसी से, कॉन्सुलेट से,
दो एफ़र्डेविट लगते हैं, एक स्पॉन्सरशिप का एफ़र्डेविट लगता है कि आपका स्पॉन्सर आपका की फुल कोर्स फीस को स्पॉन्सर करेगा, वही कोर्स की फीस देगा, तो उसको स्पॉन्सरशिप एफ़र्डेविट बोलते हैं। एक रिलेशनशिप एफ़र्डेविट लगता है कि स्पॉन्सर और स्टूडेंट के बीच में क्या रिलेशन है, वो रिलेशनशिप दिखाया जाता है। बाकी बेसिक आपका पासपोर्ट आई डी प्रूफ लगता है स्पॉन्सर का, स्टूडेंट का स्कोर कार्ड एक्सेट्रा आई डी प्रूफ लगता है। ये बेसिक से डॉक्यूमेंट के साथ आप एन आर आई कोटा में अपनी कैटेगरी को कन्वर्ट कर सकते हो, और उसके बाद आप चाहो तो दोनों कैटेगरीज के अंदर चॉइस फिलिंग कर सकते हो। यू कैन इवन फिल द मैमिन कोटा एज वेल एज द एन आर आई कोटा एट द सेम चॉइस फिलिंग, दोनों को आप प्योरिटी दे सकते हो। तो ये तीन कैंपस हमारे आते हैं। तो अगर मुंबई के अगर हम कट ऑफ की बात करते हैं, लास्ट ईयर जो मुंबई का फर्स्ट राउंड में कट ऑफ था वो 219 नंबर पर लास्ट सीट अलॉट हुई थी, सेकंड राउंड में यही चीज़ 241 पे गया, थोड़ा कट ऑफ ऊपर चला गया, और थर्ड राउंड में 303 पे चला गया और ऊपर चला गया। तो जब भी आप काउंसलिंग करने जा रहे हो, जो कुछ भी करना है फर्स्ट राउंड में करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है, बिकॉज फर्स्ट राउंड आपका गोल्डन राउंड रहता है, टोटल सीट्स इम्प्टी रहती हैं, कट ऑफ थोड़े से डाउन रहते हैं, स्टूडेंट काफ़ी हॉस्पॉच में रहते हैं, यहाँ जाएं कि वहाँ जाएं, कौन सी काउंसलिंग करें। तो फर्स्ट राउंड इज़ द बेस्ट राउंड, अगर आप अपनी जो भी बेस्ट आपको करना है फर्स्ट राउंड में करके आप सीट ले लेते हो तो हमेशा कंडीशन आसानी हो जाती है। वही जो बच्चा अगर लास्ट ईयर 220 नंबर वाला बच्चे को सेकंड राउंड में सीट नहीं मिली थी, यही ट्रेंड आपके तीनों कैंपस में चल रहा है कि फर्स्ट राउंड में कट ऑफ कम था, सेकंड राउंड में थोड़ा सा और बढ़ा, थर्ड राउंड में और बढ़ा। तो अगर हम देखते हैं कि अगर मुंबई के अंदर कैंप एडमिशन चाहिए तो कितना नंबर होना चाहिए, अगर हमारा स्कोर 220 के अबव आ रहा है तो मुंबई कैंपस के अंदर एडमिशन होने की चांसेस बन जाती हैं। वही स्कोर हमारा 240 के आसपास 240-250 की रेंज में मिनिमम स्कोर आ रहा है तो पूना कैंपस में एडमिशन होने की चांस बनती हैं, और 300 के अबव स्कोर आ रहा है तो हमारा कोल्हापुर कैंपस के अंदर चांस लेने की बनती एडमिशन होने की चांस बनती है। तीनों की काउंसलिंग आपकी एक ही पोर्टल पे होगी, एमसीसी के ऊपर होगी, और वहीं से आपको कॉलेज अलॉटमेंट होंगे। आप चाहो तो एक ही काउंसलिंग में तीनों कॉलेज को डाल सकते हो, आप चाहो तो अपने सिर्फ सेलेक्टिव कॉलेज को ही डाल सकते हो। काउंसलिंग फीस आपको 2,05,000 की देनी रहती है, जिसमें 2,00,000 रुपये आपको सीट मिलने के बाद आ जाती है। सेकेंड राउंड में अगर सीट मिली और आपने ज्वाइन नहीं करी तो 2,00,000 की पेनल्टी लग जाती है। अगर सीट नहीं मिलती है आपको या सीट मिल जाती है आप ज्वाइन कर लेते हो, दोनों कंडीशन में आपका सिक्योरिटी अमाउंट आपको वापस मिल जाता है, जिस भी मोड में आप पेमेंट करते हो, नेट बैंकिंग से करते हो तो नेट उसी अकाउंट में आपके पास पेमेंट वापस आ जाता है। तो इस तरीके से होता है। कॉलेज की बात करते हैं तो काफ़ी एक्सपीरियंस कॉलेज है, एजुकेशन में कोई कमी नहीं है, फैकल्टी काफ़ी अच्छी है, एक्सपोजर काफ़ी अच्छा है, सुपर स्पेशलिटी तीनों कॉलेज आते हैं, तो इस हिसाब से अपने कॉलेज को प्योरिटी दे सकते हो। लेकिन हाँ, बहुत सारे कॉलेज हैं इंडिया में, अगर आपके पास कोई और बेटर आपने स्टेट में या दूसरी जगह पे और बेटर कॉलेज मिल रहा है, ट्यूशन फीस और ज़्यादा कम मिल रही है, तो उसको भी प्योरिटी बिल्कुल देना चाहिए। ऐसा नहीं कि दिस इज़ द ओनली कॉलेज वी आर यू हैव टू सेलेक्ट द फ्रेंड्स। तो सारी चीज़ें देखने के बाद हमको फिल्टर करना रहता है कि क्या बेस्ट है, उसके लिए ही हम जाके काउंसलिंग कराएं फ्रेंड। तो आज के सेशन में हमने डीवाई पाटिल के लिए बात करी कि कहाँ पर इसकी काउंसलिंग होती है, क्या सिक्योरिटी लगती है, क्या फीस, क्या कट ऑफ है। आने वाले सेशन में और भी कुछ इस के बारे में बात करेंगे और सारे स्टेट्स के ऊपर 1-to-1 बात करेंगे। काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले पहले कोशिश करेंगे कि सारे स्टेट्स के ऊपर एक वीडियो बनाएं, हर साल जैसे एडवाइसेस आपको बना के देते हैं, तो जिससे कि आप जब काउंसलिंग करने जाओ तो पूरी तरह से टायरो ना रहो, तो इन्फॉर्मेशन आपके पास रहेगी, कुछ नॉलेज रहेगी, तो एक बेस्ट काउंसलिंग करा के जो भी आपके स्कोर पर बेस्ट डिजर्व सीट मिलती है वहाँ पर आप जरूर जा सकते हो फैन। तो आज सेशन को यहीं खत्म करते हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। आप हमारे वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हो, वहाँ edusis.com, वहाँ पे भी जाके पिछले 2-3 साल के कट ऑफ दे सकते हो, सारी ट्यूशन फीस, सारे गाइडेंस दे सकते हो कि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हो काउंसलिंग करने से पहले, कि आपको कहीं से मिस गाइडेंस ना मिले, ना आपकी कोई पेनल्टी लगे, और बेस्ट सीट आप निकाल के दे सकते हो। उसके बाद भी आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है चीज़ें, टाइम नहीं है, रिस्क नहीं लेना चाहते हो, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आवर टीम विल हेल्प यू आउट फॉर डूइंग द काउंसलिंग। हम आपको हेल्प करेंगे कैसे काउंसलिंग करना है और कैसे उससे आपको सीट निकालनी है फ्रेंड। तो सेशन को यहीं जल्दी से फिनिश करते हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर यू नीट एग्जामिनेशन एंड नीट काउंसलिंग फ्रेंड, थैंक यू सो मच।